सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में हमेशा अपने कदम कसम और अपनी कमल को हमेशा सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। जिस इंसान का हथियार उसकी मेहनत होती है तो सफलता भी उसकी गुलामी करने पर मजबूर हो जाती है। किरण चाहे हमारे आशाओं की हो या फिर चमकते सूरज की, दोनों ही हमारे जीवन के सारे अंधकार को खत्म कर देती है। आज का पंचांग 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात्रि 10:01 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 7:06 तक रहेगी। इसके उपरांत श्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 5:10 से 6:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:01 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार, मजेदार और हल्के छड़ों के लिए बच्चों के साथ समय बिताएं। इससे आपकी रचनात्मकता ताजा हो जाएगी। आध्यात्मिक या धार्मिक मामले अभी आपको आकर्षित कर सकते हैं। अपने ध्यान को उत्कृष्ट बनाए रखें और जुए व जोखिम भरी सट्टेबाजी से बचें। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज अचानक दिनचर्या परिवर्तन या निमंत्रण की संभावना है। घरेलू मुद्दे भी चिंता का विषय हो सकते हैं, किंतु परेशान होने वाली बात नहीं है। अपने विचारों और चिंताओं से इतना ना घबराए कि आप आने वाली जीत और अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं। आज आपके सब कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल कार्यस्थल पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांति दूत बनना पड़े। घर के सुधार का कोई कार्यक्रम बन सकता है या अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। आपके अधिकतर काम मन मुताबिक तरीके से व्यवस्थित होते जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और आपको अचानक ही आत्मिक शांति महसूस होगी। रिश्तेदार तथा पड़ोसियों के साथ में संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आपके आसपास का वातावरण आपकी मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। भावनात्मक रूप से खुद को और मजबूत बनाने के लिए प्रयत्न करें। भावनाओं को कब महत्व देना है और डिसिप्लिन को कब महत्व देना है, ये दोनों बातें ध्यान में रखें। व्यापारी वर्ग को भागीदारी में काम करने का मौका प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह मौका फिलहाल आपके लिए फायदेमंद नहीं है। पार्टनर का आकर्षण किसी और व्यक्ति की तरह बढ़ता हुआ नजर आएगा। अपचय जैसी तकलीफ भी हो सकती है। नकली आभूषणों के व्यापारी काम को बढ़ा सकते हैं। सरकारी पक्ष से सामंजस्य बनाकर रखें। अधिकारी आपसे खुश रह सकते हैं। माइग्रेन की समस्या को हल्के में ना लें। नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए सफलता वाला मामला रह सकता है। बेरोजगारों के लिए नौकरी संबंधित अटकाव दूर हो सकती है। पैसे की कमी के कारण नया काम शुरू होने में बाधा आ सकती है। लोगों से उलझने से बचें। सुस्ती की अधिकता भी रह सकती है। निजी फाइनेंसरों के लिए संभलकर काम करने का समय है। साझेदारी में चल रहा काम लाभ दे सकता है। घरेलू कामकाज महिलाओं के लिए लाभ का प्रतिशत अधिक रह सकता है। अधिक तैली भोजन से बचें। मकान दुकान फैक्ट्री गिरवी रखकर धन का प्रबंधन करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। निकट मित्रों के साथ चला आ रहा मनमुटाव समाप्त हो सकता है। पारिवारिक तनाव में कमी आ सकती है। सावधानियां, दूसरों के कार्यों को सुलझाने में आपके खुद के कार्य अधूरे रह सकते हैं। किसी नजदीकी रिश्तेदार के विवाहित संबंधों में अलगाव उत्पन्न हो सकता है। आपकी मध्यस्थता
उनके लिए अनुकूल साबित होगी। आय के साधनों में कोई कमी रहेगी, आय के साधनों में कुछ कमी रहेगी जिसकी वजह से मन कुछ परेशान रह सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी का परिवार के प्रति देखभाल व सहयोग, घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा, प्रणय संबंध प्रगाढ़ रहेंगे। अचानक संबंध का टूटना या अलगाव आपके लिए मुसीबतों के पहाड़ की तरह सिद्ध हो सकता है। आप अभी सब कुछ भूलकर अपने परिवार की तरफ ध्यान देंगे। रोमांस और मनोरंजन के लिए भी यह समय उत्तम है और अभी आपको इंतजार करने की भी जरूरत है। अनावश्यक कामों या गतिविधियों से बचें। कुछ जाने पहचाने चेहरे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को संभालने में सक्षम हैं। अपने पार्टनर को खास महसूस कराने में कोई कसर न छोड़े, उसके लिए डिनर तैयार कर सकते हैं या कोई रोमांटिक फिल्म भी देखी जा सकती है, इससे आपको भी फायदा होगा। आपके लिए आज भी अपने साथी के करीब आ पाना मुश्किल रहेगा। वास्तव में आप उनके काफी करीब हैं, लेकिन अपनी अपरिपक्वता के चलते आप भावनाओं के बादल में उलझे हुए हैं। आप यह चाहते हैं कि आप दोनों शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर और करीब आने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ और जान लें। इस भावनात्मक गुफ्तगु के बाद आपके रिश्ते में काफी मजबूती आएगी। बात करते हैं करियर की। यात्रा और यात्रा के व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए ये अच्छा समय है और आप इससे अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। आप उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयासरत रहें और इससे आप जल्द ही कुछ लाभ पा सकते हैं। आप संपत्ति या कीमती धातुओं में भी निवेश कर सकते हैं। किस्मत आज आपको नए अवसर देने वाली है जिससे आपको अपनी रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। जो लोग स्टॉक या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आज के दिन खास तौर पर शुभ है। ध्यान रहे, अपने समय और संसाधनों का सही से उपयोग करें। आज किसी बदलाव की संभावना है, लेकिन आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अच्छे से संभाल लेंगे। घर में किसी परेशानी से सामना हो सकता है, कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि जो आप आज करते हैं उसका प्रभाव आपके भविष्य में पड़ता है। कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लें। अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन संबंधित योजनाओं पर पुनः विचार विमर्श करें। जल्दबाजी और तनाव से व्यावसायिक गतिविधियों में पूरा ध्यान रखना अति आवश्यक है। इस समय बहुत अधिक मेहनत और लाभ कम जैसी स्थिति बनी हुई है। बात करते हैं सेहत की। मौसम की वजह से शरीर में दर्द व हल्के बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। अपनी दिनचर्या को संयमित रखें। आज मनमुटाव अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। आप अब जंक फूड भी नहीं खा रहे तथा व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है, इसलिए आपको इच्छित परिणाम प्राप्त करने होंगे। आपको इन सबसे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक निश्चित रूटीन बनाना होगा, तभी आपको इन सब का लाभ मिल पाएगा। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।